सिम्स में 316 से अधिक कर्मचारी सोमवार से 2 दिनों के आकस्मिक अवकाश पर चले गए। इस अघोषित हड़ताल के चलते यहां कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसका असर ब्लड बैंक, लेबर ओटी, कैजुअलिटी जांच लैब, ऑपरेशन से लेकर ओपीडी तक नजर आने लगा है। 700 बिस्तर वाले संभाग के इस सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की सेवा में नियुक्त कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को बारिश की वजह से पार्किंग शेड में हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से लेकर सिम्स डीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती वे अपना आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। साल 2013-14 में नियुक्त कर्मचारी अब तक नियमित नहीं किए गए हैं। 7 सालों से वेतन वृद्धि भी नहीं हुई है। बताया गया कि दर्जनों बार प्रबंधन अधिकारी और पूर्व और वर्तमान मंत्री से भी मुलाकात कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई हल ना निकलता देख 2 और 3 अगस्त को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी इन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने प्रशासन को भोजन अवकाश में चेतावनी देते हुए उन्हें अपनी मंशा से अवगत कराया था, लेकिन फिर भी प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब भी 316 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मर्चुरी में पोस्टमार्टम, ओपीडी में मरीजों की जांच, लैब में खून पेशाब और अन्य जांच, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, सिम्स के कार्यालय का कार्य, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, लेबर ओटी, माइनर ओटी, मेजर ओटी, एक्सरे, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, वायरोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, IoT, MRD, मेडिसिन स्टोर और अन्य कई क्षेत्रों में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे निपटने के लिए ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की अलग अलग 4 टीम बनाई गई है, जो इमरजेंसी, लेबर ओटी, कोरोना विभाग सहित अन्य क्षेत्रों में कामकाज संभाल रही है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। यहाँ पर 2013-14 में ऐसा खींच लो लिया कम से कम 300-350 लोगों की हम नियमित पद पर भर्ती हुई है। हमने शासन प्रशासन से लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सब रूप में हमने मांग किया, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम लोग ना चाहते हुए भी आज हमें रोड में बैठना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमें आंदोलन जारी रखेंगे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सिम्स का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता नजर आया। खासकर सोमवार होने की वजह से यहां मरीजों की संख्या अधिक थी। बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज इस हड़ताल से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि 2 दिवसीय अघोषित हड़ताल के बाद उनकी कोर कमेटी भविष्य की कार्य योजना पर विचार करेगी और फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 2013-14 में हम लोग का नियमित मतलब सिलेक्शन हुआ और इसमें उसके बाद हम लोग को 2 साल के बाद परीक्षा हम लोग की खत्म नहीं की गई, ना वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। तो आज इसी को मांग को लेके हम लोग सब हड़ताल पे हैं, कर्मचारी और तृतीय चतुर्थ सभी लोग। मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे और आंदोलन हमारी जारी रहेगी। और सिम प्रशासन इसके मतलब हम मरीजों के खिलाफ नहीं है, पर यह है कि हमारी वेतन वृद्धि की मांग और हमारी जो जायज मांग है उसको पूरी कर दें। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जो कर्मचारी अन्य जिलों में ट्रांसफर किए गए थे वे नियमित भी हुए हैं और उनकी वेतन वृद्धि हुई है, जबकि जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए उन्होंने जमकर अपना आक्रोश जाहिर किया। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने पर स्वास्थ्य विभाग और सिम्स प्रबंधन इस संकट से किस तरह से निपटता है इस पर मरीजों का भविष्य निर्भर करेगा। हमारे सभी विभाग के कर्मचारी से अपना अधिष्ठाता कार्यालय और अधीक्षक कार्यालय के लगभग समस्त कर्मचारी हड़ताल में, 316 हॉस्पिटल से भी कम से कम 300 से ऊपर कर्मचारी हमारे साथ हड़ताल में शामिल हैं। इससे सभी विभाग प्रभावित हो रहे हैं। हमने पूर्व में भी वक्तव्य जारी करके समस्त बिलासपुर वासियों से हमने इसमें क्षमा प्रार्थी भी कहा, चूँकि हमारे साथ हमारा भी परिवार है और इतना शोषण हो रहा है, इस कारण हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल यहां ओपीडी और भर्ती मरीजों को कर्मचारियों की अनुपलब्धता की वजह से परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, तो वही हड़ताल व्रत कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई मरीजों के साथ नहीं है, बल्कि वे अपने हक के लिए प्रबंधन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वी टाइम न्यूज के लिए बिलासपुर से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।